इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में CAA NRC को लेकर एहतजाज किया जा रहा है, अवाम सड़कों पर उतरी हुई है। इसी तरह का हुबली के इस ईदगाह मैदान में यहाँ पर दुआ का एक मजलिस यहाँ पर मुनक्कद की गई थी। यहाँ पर जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद था। पूरे मुल्क में और खुसूसन कर्नाटका और खुसूसन बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर का शहर है और अंजुमन इस्लाम हुबली एक बहुत ही कदीम और मरकज़ी इदारा है। इसकी बुनियाद 1903 में रखी गई और इसके तहत जो है 125 मोहल्ले आते हैं। तकरीबन एक महीने से, पिछले महीने रैली भी की गई नेहरू मैदान में और अलग अलग जगह भी एहतजाजी जलसे किए गए और आज चंद रोज़ पेशतर धारवाड़ में, चंद रोज़ पेशतर दारुल उलूम गौसिया में और आज जूनी हुबली में, ये अंजुमन इस्लाम हुबली का जूनी हुबली का ईदगाह है। इसमें इज्तिमाही तौर पर दुआ का इंतज़ाम और एहतमाम किया गया। अपने माथे की आँखों से आपने देखा है कि पुरअमन तरीक़े से किसी के किसी को ज़र्ब ना लगाते हुए ये एक एहतजाज है मुल्क में और खुसूसन हुबली में कि अल्लाह के पास दुआ मांगी जा रही है कि हुजूर के सदक़े में हम लोगों की दुआ कबूल फरमा, क्योंकि आज पूरा मुल्क खुसूसन मुसलमाना ने हिंद और मुसलमाना ने हुबली एक रंज व गम के मनाजिल तय कर रहे हैं, हालात से गुज़र रहे हैं। एक लम्हा भी हमारा फिक्र लम्हा भी फिक्र में मुब्तला रहता है कि भाई क्या होगा मुल्क, और हम अपील करते हैं कि घबराएं ना इस बात से, कोई ज़रूरी बात नहीं है और मुसलमान कभी अल्लाह के सिवा दूसरे से घबराता नहीं है। इसके मानी ये नहीं कि हम दूसरों की इज्जत करेंगे, इसके मानी ये नहीं कि अमन में खलल पैदा करेंगे। ये दुआ करते हुए आज अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से इस जलसे का इनेकाद किया गया और अहतमाम किया गया और दुआ मांगी गई कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें बचा, इस मुसीबत से दूर फरमा। और ये लोग जो हैं, ये सरकार आने के बाद फिरका वाराना जमात, BJP की जमात, BJP की हुकूमत आने के बाद नित नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। माजी में उनको एक हौसला मिला कि हमारे तलाक का मसला, तलाक के सलासा का मामला उन्होंने पार्लियामेंट में तय किया तो हम खामोशी इख्तियार किए, 370 के नाफिस किया तो हम खामोशी इख्तियार किए, पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मसला हल किए। हमने वादा किया था कि जे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आएगा वो मिन वन मानेंगे, इसलिए हम वादे के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी, कारवार से कलकत्ता तक खामोशी इख्तियार की, कहीं भी कोई हमने बात नहीं की, कोई भी मुसलमान भाई या बुज़ुर्ग या आलिम इसके बारे में एहतजाज नहीं किया। लेकिन आज वजूद को ख़तरे में लाए हैं, हम लोगों को यहाँ से भेजने की बात कर रहे हैं और दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, 21, 24 के ख़िलाफ़ वर्जी ये कर रहे हैं। और इनका हिडन एजेंडा है, इनका खुफिया एजेंडा है कि अलग अलग नमूने से अवाम को गम में मुबतला करना, उनको सताना, उनको ज़र्ब लगाना उनका एक मंशा है। आप UP में देख रहे हैं कि किस तरह के एक योगी, एक साधु जो उसको चुप रहना चाहिए आश्रम में, लोगों की रहनुमाई करना चाहिए, लोगों को रास्ता बताना चाहिए, वो आज धमकी की बात करता है, आज जुल्म ज़्यादती की बात करता है। इसलिए हम उसको एहतजाज करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसको ज़ुबान बंद हो जाए। तो देख रहे हैं आपके, और ज़्यादा जुल्म UP में हो रहा है, ये अल्लाह का करम है कि यहाँ थोड़ा बहुत अमन है, इसकी वजह हम लोग अमन से एहतजाज करते जा रहे हैं और करते रहेंगे।
جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ احتجاج جاری اور ساری رہے گا، اور اللہ سے دعا ہے، آج بھی دعا مانگی گئی اجتماعی طور پر، اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ سر ایک سوال یہ پوچھنا چاہیں گے ہم کہ 70 سال ہمارے پاس تھے، کیا ہم نے ہماری عوام کو بیدار کرنے میں ہم نے 70 سال ضائع کیے ہیں کیا؟ بھلے وہ دینی ہو یا سیاسی رہنما ہو، کہیں تو بھی چکے ہیں ایسا نہیں لگتا، کیونکہ آر ایس ایس تو اپنی مستقل کوششوں میں تھی، وہ جب سے 1925 سے، اب تو 100 سال پورے کرنے جا رہی ہے، لیکن ہم نے مسجدوں میں ہو یا بڑے بڑے مجلسوں میں ہو ہماری عوام کو آر ایس ایس کے سازشوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیے، آر ایس ایس کی سازش، ان کا خفیہ ایجنڈا جب جب بھی ہمیں سامنے آیا، ہم لوگ احتجاج کیے ہیں، ہم ایسے خاموش نہیں بیٹھے۔ علماء اکرام کہیے، دانشور کہیے اور نوجوان کہیے، وہ عوام کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کیے ہیں، لیکن اچانک سے یہ اس سال اپنا پٹیارہ کھولے ہوئے ہیں، جیسا سانپ پٹیارے میں رہتا ہے اور وہ پٹیارہ کھول کے لوگوں کو ڈرانے شروع کرتا ہے، اس طرح سے ان کا پٹیارہ کھولا گیا ہے۔ کبھی ایسے واقعات، حالانکہ قانون 1951 سے امبیڈکر صاحب نے قانون بنایا، لیکن کبھی کسی سرکار نے بھی اس طرح کے امینڈمنٹ نہیں کیے، یہ امینڈمنٹ ایسے نہیں ہوئے۔ اور سلولی ابھی دیکھیے کیا ہو گیا ہے، اب ان کے گلے میں ہڈی سپڑی ہوئی ہے، آسام اکارڈ کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کر کے وہاں پر 40 لاکھ کا ڈھنڈورا پیٹا، 19 لاکھ نکلے، اس میں 12 لاکھ غیر مسلم، 7 لاکھ مسلم بھائی ہیں، اب ان کے گلے میں ہڈی پھنسی ہے۔ ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے، سٹیزن شپ دینے کے لیے امینڈمنٹ کیے ہیں، ان کو دیں اور ہمیں لے جا کے بحر عرب میں پھینکیں، اور یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات ہے، اور انشاءاللہ عزیز ان کو پھینکا جائے گا، مسلمانوں کو پھینکا نہیں جائے گا۔ ایمرجنسی، انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہی ہے، اور کیا ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے، نت نئے قوانین پاس کرنے کا۔ اور مودی گورنمنٹ کے خلاف کون بات کرتا ہے، اس دیش دروہی، اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے دیش بھکتی، اور کون سا وعدہ انہوں نے پورا کیا بتائیے مجھے، کتنا جھوٹ۔ میں 12 پرائم منسٹر دیکھا ہوں، ایسا جھوٹ بولنے کا پرائم منسٹر میں نے دیکھا، ایسا جھوٹ بولنے کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا۔ کہاں ہیں اس کے اچھے دن، کہاں ہیں اس کے 15 لاکھ، کہاں ہیں اس کے 2 کروڑ لوگوں کو روزی روزگار دینے کا معاملہ، سب کا ساتھ سب کا وکاس، اب سب کا ساتھ سب کا ستیاناش، یہ پرائم منسٹر، یہ گورنمنٹ، اور تفریق پیدا کر کے، پہلے بھی یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، آج بھی انگریزوں کے ایجنٹ آئے ہیں۔ جو انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا تھا اس ملک میں، اسی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، اپنا ووٹ جو بینک بنائے ہندوتو کے اوپر، اس کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ستایا۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ستانے والا پیدا نہیں ہوا، وہ بھی جان لینا چاہیے۔ ایسے بہت آئے، شداد، نمرود، ہلاکو، چنگیز خان، لیکن ان کا نہ پتا ہے اسلام زندہ ہے، قوم زندہ رہے گی۔ دیکھیے، اکثر و بیشتر ہم لوگ عدلیہ پر بھروسہ کیے ہیں، اور اللہ کی ذات سے پہلے، حضور کی ذات سے پہلے، اولیاء اکرام کی طفیل میں، انشاءاللہ عزیز انہوں نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے، اس مرتبہ مسلمانوں کے حق میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجم اسلام ابلی سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج یوم جمعہ کے نماز کے بعد 4 سے لے کر عصر مغرب نماز یہاں ادا کی جائے گی، آیت کریمہ کا وظیفہ کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز وہ شاندار سکون کے ساتھ ادا کی گئی، اس کے بعد آیت کریمہ کا وظیفہ کیا گیا، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز ہوئی، بعد مغرب کی نماز کے بعد بھی جو دعا کی گئی، میں کہوں گا کہ یہ عرش کو ہلانے کی تھی آج دعا تھی۔ سبھی لوگ رو رہے تھے، جو مقتدی سبھی لوگ رو رہے تھے، سبھی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، دل کی گہرائیوں سے آج جو دعا نکلی ہے، سب لوگ آمین کہیں۔ ہمیں یہ ہندوستان کے مسلموں پر جو آفت آئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے، جو
अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून लगाया जाया जा रहा है मुसलमानों पर हिंदुस्तान के, उसको निकालने के लिए में कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और क़ानूनी कारकर्दगी भी हम लोग कर रहे हैं। हमने अंजुम इस्लाम मुबल्लिग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना दर्जा पेश भी किया है। हमारी माँ बहनें हैं यहाँ पर जमा होंगी, नमाज अदा इंडिविजुअल नमाज अदा करेंगी, आयत करीमा का वर्द किया जाएगा और ख़ासकर दो मुफक्किरीन को बॉम्बे से लाया गया है, औरतों को जो माहिर हैं NRC NPR के कहने में समझाने में उनको लाया गया है ताकि हमारे बहनों को समझा जाए कि NRC क्या है, NPR क्या है, NCA क्या है। हम ये पूरी कोशिश करें कि हमारे माँ बहनों को और हम मिल्लत को इसके बारे में मालूमात पहुँचे और ये समझें और न डरें, बस के दुआ करते रहे अल्लाह ताला इस आई हुई आफत को दूर करे। इतना अंजुम इस्लाम की तहरीक अभी 4 दिन पीर से लेकर जुमेरात तक तहरीक जारी है, अगले हफ्ते भी पीर से लेकर जुमेरात दिन तक 4-5 मोहल्ले का जो तहरीक हमारा चल रहा है इंशाल्लाह अजीज़ ये पूरे 120 मोहल्ले बनने तक जारी रहेगा। इंशाल्लाह अगले जुमा भी और शनिचर भी दूसरा प्रोग्राम करने की मैं सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी तय पाएगा, इंशाल्लाह आपको भी दावत दी जाएगी। हमारी गुजारिश है कि आप मीडिया ये इस काम की कारकर्दगी को पूरे आंडल लेवल में फैलाने की आप कोशिश करो ताकि हर कोने में, हर खरे के कोने कोने में, गरीब कोचिंग में आवाज़ निकले कि NRC NRP के सी के खिलाफ आवाज़ उठे और मुसलमान बदवा या दुआ दोनों भी करता रहे, जो नाकिस के उनके लिए बदवा करे और हमारे हिफाजत के लिए दुआ करे। और जो सुप्रीम कोर्ट में केस अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को गया है, हमारे गुजारिश अल्लाह ताला से दुआ है कि उन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एहसास दिलाए ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की दरख्वास्त करते हुए। हम लोग आपका मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मदद की। अंजुमन इस्लाम की जानिब से हम लोग जो है प्रोटेस्ट का भी कॉल दिया गया था, पीर मंगल चर्च में जुमेरात जो है एक एक मोहल्ले से 4-4 मोहल्ले 5-5 मोहल्ले के लोगों को बुलाया गया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बड़े तादाद में लोग आ रहे हैं और एक अच्छा मैसेज तहसीलदार के थ्रू, DC के थ्रू, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगले पीर मंगल चर्च में जुमेरात भी फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। फिर अंजुमन इस्लाम की जानिब से जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा कि आज यहाँ पर जो है असर को इस्तिमाई नमाज का इंतज़ाम किया गया था, बाद में दुआ हुई, फिर मगरिब की नमाज भी अदा की गई, मगरिब के बाद भी दुआ हुई। हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो है ये CAA जो सिटीजन एक्ट को अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट जब तक इड्रॉ नहीं होगा उस तरह से मैं अलग अलग तरह के जद्दोजहद करते रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे, रैलियां करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और दुआ भी ये इसलिए रखा गई थी कि एक इसमें से अगर एक भी गरीब की दुआ लग गई तो हम क्या चाहते हैं, वो हमारा काम पूरा हो जाता, पूरा हमारा मकसद हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर अंजुमन इस्लाम की जानिब से दुआ का इंतज़ाम किया गया था। बहुत ही अच्छी दुआ हमारे मकबूल मौलाना साहब ने आज दुआ की है। मैं समझता हूँ ये दुआ का असर भी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कुछ तो कुछ असर ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह। अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से एक एडवोकेटों का लीगल सेल बनाया गया है जिसमें तकरीबन 15-16 एडवोकेट हैं, 15-16 एडवोकेट जो भी है हमारे अंजुमन इस्लाम हुबली को कुछ भी काम आएगा लीगल सेल की वजह से तो उनको बुलाया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। इसी तरह हमने अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से हमारे सदर और हमारी पूरी टीम ने एक PLI दाखिल किया है, वो पीर के दिन जाके दाखिल हुआ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसमें कामयाबी भी मिलेगी। और साथ ही साथ जो अब सदर साहब ने बताया कल औरतों के लिए भी सेम मखसूस असर और मगरिब का अज़ान का नमाज का अहतमाम किया गया है और दो जो मौलिया जो मुंबई से बुलाए गए हैं वो खुसूसन औरतों को उसके बारे में जागरूक करेंगे कि CAA NRC NPR क्या है और हमें किस तरह से रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर हुबली में आज एक अजीम, एक तारीखी इजलास मुनाकिद किया गया जिसके ज़रिए अमन व सुकून के साथ एक पैगाम देने की कोशिश की गई कि शहर हिंदुस्तान में सब मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ ना NRC की ज़रूरत है, ना NPR की ज़रूरत है, ना CAA की ज़रूरत है। अब यहाँ हमें अगर ज़रूरत है तो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए,
اور یہاں کے رہنے والوں کے روزگار کے کام کاج کے حوالے سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر یہاں پر شہر ہبلی کے ادارہ انجمن اسلام کے جانب سے ایک عظیم جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں نماز عصر ادا کی گئی اور اذکار پڑھے گئے، اور نماز مغرب کے بعد شہر ہبلی کے مسلمانوں نے مل کر اجتماعی طور پر دعا کی ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں امن و امان برقرار رہے، اس کے لیے سب لوگوں نے مل کر دعا کی ہے۔ یہی کام یہاں پر ایک عظیم پیمانے پر جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم امن و سکون کے ساتھ جب تک این پی آر سی اے این آر سی کا معاملہ رک نہیں جاتا، ہم اسی طرح کا احتجاج کرتے رہیں گے۔ قوم و ملت کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ہم کارروائی آگے بڑھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کے سب سے رہے فرمائے مولا۔
हमने कुल अता फरमा, शिफाए कुल अता फरमा,